नंबर ए सर्कुलर टेंट हैज सिलेंड्रिकल शेप सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल रूफ। अच्छा देखिए, ए सर्कुलर टेंट है, ठीक है, सॉरी ए सर्कस टेंट है ऑफ सिलेंड्रिकल शेप सरमाउंटेड बाय ए सर्कुलर कोनिकल रूफ। अच्छा देखिए, उसका रूफ जो है कोनिकल है। यहाँ पर मैं एक सर्कस टेंट है उसको बना लेता हूँ जिसका रूफ जो है ना ऊपर कोनिकल है, कुछ इस तरह से बन जाएगा ना जी। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे एक टेंट बना लिया, उस तरह का सर्कस वाला टेंट बना लिया। अब देखिए, द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस इज 20 मीटर, अच्छा, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोनिकल पोर्शन इज 4.8 मीटर एंड 2.1 मीटर। चलिए देखिए दिया हुआ है इसका हाइट, रेडियस और यहाँ पर दोनों का हाइट दिया हुआ है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसका रेडियस जो है ना 20 मीटर है, 20 मीटर है, और हाइट जो दिया सिलेंड्रिकल पोर्शन का वो 4.2 मीटर और इस कोनिकल वाले का 2.1 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, वॉल्यूम टेंट निकालना। तो सब कुछ तो दिया ही है, सिलेंडर निकालने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम से ना मतलब है हमें। यहाँ पे चलिए देखते हैं, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वो देखिए सिलेंडर का रेडियस यहाँ पे आर कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है ना जी, 20 मीटर। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है। चलिए अब इसको देखते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर की बाय कैपिटल एच है वो है 4.2 मीटर। अच्छा, फिर रेडियस ऑफ द कोन के लिए चलते हैं, तो कोन के लिए रेडियस भी वही है 20 मीटर। अच्छा, और हाइट ऑफ द कोन का हाइट जो है स्मॉल एस से डिनोट करते हैं वो है 2.1 मीटर, है ना जी। चलिए तो अब वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द टेंट निकालना है हमें, तो क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे हमारा काम बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से काम करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ एच बचेगा, यहाँ पे 1/3 एच बच जाएगा, यहाँ कैपिटल एच है और यहाँ स्मॉल एच है। जल्दी दोनों का वैल्यू तो हमने ऊपर देखा ही है। चलिए पाई की जगह पे 22/7 यूज कर देते हैं, आर है 20 × 20, एच कितना है, कैपिटल एच है आपके पास 4.2 प्लस 1/3 × में स्मॉल एच है आपके पास कितना 2.1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी क्यूब है ना, वॉल्यूम है तो क्यूब में होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये 3 से हम लोग काट सकते से 0.7 टाइम्स में, तो हो जाएगा 22/7 इंटू में 20 × 20 और इंटू में इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ 4.9 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 7 से इसको काट सकते हैं यहाँ पे 0.7 टाइम्स में, चलिए सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 22 × 20 × 20 × आपका 0.7, ठीक है ना जी। तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 6160 मीटर क्यूब, ये आपका उसका वॉल्यूम आ जाएगा उस टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, ए पेट्रोल टैंक इज अ सिलेंडर ऑफ द बेस डायमीटर 20।